हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओमनीसेंट। और आज आप इस वीडियो में टॉप करेंट अफेयर्स के कुछ खास और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, परीक्षा के तैयारी की दृष्टि से जो है करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी लोग जो करंट अफेयर्स के पीछे ही भागते हैं। तो ऐसे में जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। तो दोस्तों, इसे शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। और दोस्तों, जो पुराने लोग हैं या जो नए लोग, सभी से आग्रह है कि अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन जरूर दबाएँ और अधिक से अधिक लोगों तक जो है इसे पहुँचा दें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय वृद्धावस्था जो है यानी अवस्था केंद्र की आधारशिला कहाँ रखा है। तो देखिए, दिल्ली एम्स में जो है इन्होंने आधारशिला रखा है राष्ट्रीय वृद्धावस्था केंद्र का। दोस्तों, 29 जून को जो है इन्होंने स्वास्थ्य जुड़ी बहुत सारी जो है योजनाओं का जो है शुभारम्भ भी किया है। तो देखिए, बुजुर्गों के लिए जो ये केंद्र जो खोला गया है, जो कि बहुत ही एडवांस टाइप का होगा। उसके अलावा दोस्तों, दिल्ली के मस्जिद मोठ क्षेत्र में जो है एम्स का यह नया सेंटर स्थापित किया जाएगा यहाँ, और 2020 तक इसको बना लेने का जो है प्लानिंग किया गया है, जिसमें जो 200 बेड होगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, एम्स और ट्रामा सेंटर के बीच एक टनल का भी लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, ताकि आने जाने में भी सुविधा हो सके। अब देखिए, प्रश्न नंबर दो है कि मिशन शौर्य के तहत किस प्रदेश के 5 बच्चों ने हिमालय के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। तो देखिए, महाराष्ट्र के चंद्रचूड़ के आश्रम स्कूल के 5 आदिवासी बच्चे हैं जिन्होंने जो ऐसा किया है। और इस उपलब्धि के बाद जो है इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के से भी भेंट किया, साथ में जो है महाराष्ट्र के सीएम भी थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है कि 29 जून को वाराणसी शहर, जो कि खासकर काशी के लिए फेमस है, तो वाराणसी शहर से कौन से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है सीधे जुड़ गया है। दोस्तों, ये काठमांडू का एयरपोर्ट है जो सीधे जुड़ गया है काशी से, यानी वाराणसी शहर से। देखिए, इसके बारे में कुछ और खास बात को जान लीजिए कि देखिए, 29 जून को यूपी के सीएम यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबतपुर हवाई अड्डे से बुद्धा एयर की काशी काठमांडू हवाई सेवा की शुरुआत किया, जिससे काशी विश्वनाथ का जो नगर है और भगवान पशुपति की नगरी जो कि काठमांडू में है, के बीच जो है एक रिश्ता जो है जुड़ गया है और डायरेक्ट जो है संबंध बन गया। अब देखिए, विमान सेवा से पहले भी जो है काशी काठमांडू बस सेवा पहले शुरू किया गया था और 2015 में ही, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अभी की जो नेपाल यात्रा था उसमें भी उन्होंने जो है एक बस यात्रा का शुरुआत किया था। अब दोस्तों देखिए, ये जो बुद्धा एयर है उसकी टूर पैकेज भी, तो खासकर ये पर्यटकों की दृष्टि से जो खोला गया था, लेकिन ऐसा नहीं है, आम यात्री भी जो है इस पे आ जा सकते। देखिए, टूर पैकेज जो है 24,100 से लेके 30,500 तक का है, जो कि 3 रात और 4 दिन का है। तो आप ट्रैवल कर सकते हैं वाराणसी से या काठमांडू एयरपोर्ट से, तो ठीक है। अब देखिए, आम यात्रियों के लिए आने जाने का किराया अलग अलग दिनों में जो है 13,000 से 15,000 तक का हो सकता है। अब भाई नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 है कि विश्व का सबसे छोटा कंप्यूटर, ठीक है, जी हाँ, विश्व का सबसे छोटा कंप्यूटर का नाम क्या है, यानी कि विश्व का सबसे छोटा कंप्यूटर अब कौन हो गया है। तो इस क्षेत्र में जो हमेशा क्रांतिकारी परिवर्तन होते रहते हैं और विश्व का छोटे कंप्यूटर में जो है अधिक से अधिक छोटा कंप्यूटर बनाए जाने के अलग अलग कंपनियों द्वारा जो दावा किया जाता है, एक्चुअली बनाया भी जाता है। तो देखिए, इस बार जो विश्व का सबसे छोटा कंप्यूटर है वो उसका नाम मिशिगन माइक्रो मोट रखा गया है। ठीक है, ये दोस्तों इसके बारे में कुछ खास और महत्वपूर्ण बात को जान लीजिए। दोस्तों, मिशिगन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने विश्व का सबसे छोटा कंप्यूटर विकसित किया है, जिसका नाम जो मिशिगन माइक्रोमोट रखा गया है। शोधकर्ताओं ने इस कंप्यूटर का विकास जो है मेडिकल क्षेत्र में सहायता हेतु किया है। ठीक है, और मार्च, देखिए, इसके पहले जो मार्च 2018 में IBM ने एक छोटा कंप्यूटर जारी किया था जिसका आकार मात्र 1 mm था, जो कि एक नमक के दाने से भी छोटा था। लेकिन अब जो है मिशिगन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे छोटा कंप्यूटर बनाया है और इसका आकार केवल 0.3 mm है, जो कि IBM के सबसे छोटे कंप्यूटर से भी बहुत छोटा है।
यह कंप्यूटर कैंसर जैसी जटिल बीमारियों का पता लगाने और उसके इलाज के लिए नए दरवाजे खोलने में मदद कर सकता है। ठीक है, नए डिवाइस में जो है रैम और फोटोवोल्टिक्स की जगह जो है प्रोसेसर, वायरलेस ट्रांसमीटर और रिसीवर लगाए गए हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं कि अभी हाल ही में सेबी, ठीक है, सेबी ने एनसीडेक्स यानी एनसीडीएक्स का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी किसे नियुक्त किया है। तो देखिए, विजय कुमार हैं जिनको ये बनाया गया है एमडी और सीईओ एनसीडीएक्स का। तो दोस्तों, बाजार नियामक जो है सेबी ने देश के सबसे बड़े, ठीक है, कृषि जींस बाजार यानी एनसीडीएक्स के प्रबंध निदेशक यानी एमडी और सीईओ के रूप में विजय कुमार को नियुक्त किया है। और इस मतलब नियुक्ति के पहले यानी टोटल जो आवेदन 11 आया था जिसमें विजय कुमार को चुना गया है। अब विजय कुमार दोस्तों समीर शाह का स्थान लेंगे जो कि पिछले 4 साल से पद संभाल रहे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो 6 नंबर का है कि 26 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों 26 जून को जो है नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है ये 26 जून को मनाया जाता है। तो दोस्तों देखिए, जो इस वर्ष का विषय है पहले सुने बच्चों और युवाओं के को है सुनने पर जोर देते हैं क्योंकि इन्हें सबसे पहले सुरक्षित और स्वस्थ होना चाहिए। तो यही था इस साल का विषय। अब देखिए, जो ये दिवस है नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये 7 दिसंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जो कि 26 जून को जो है इस तरह का दिवस जो है मनाया जाएगा। ठीक है, अब आइए प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। तो 21 जून 2018 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था। तो दोस्तों थीम जो था शांति के लिए योग, ये 2018 का जो है थीम था और ये 4th अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। ठीक है, तो दोस्तों 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी, पहला 2015 में 16, 17 और 18 यानी 4th अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। और दोस्तों इसके इससे जुड़े कुछ खास और महत्वपूर्ण बात को जान लीजिए। देखिए, पीएम जो है नरेंद्र मोदी ने देहरादून में यानी 2018 में यानी 21 जून को जो है नरेंद्र मोदी ने देहरादून में स्थित वन अनुसंधान संस्थान में 55,000 लोगों के साथ जो है योग किया। मोदी ने पहले वर्ष जो है 2015 में नई दिल्ली में राजपथ में इसकी शुरुआत किया था। बहुत सारे मंत्रियों ने भी यहां पर जमावड़ा लगाया था, एक अच्छा खासा जो पब्लिसिटी मिला था। अब देखिए 2016 में जो है चंडीगढ़ में योग में इन्होंने भाग लिया था और जो कि कैपिटल कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, और उसके बाद 2017 में लखनऊ में रमाबाई अंबेडकर सभा स्थल में इन्होंने योग समारोह में भाग लिया था। तो 4 अभी तक ये कर चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में योग और चारों अलग अलग स्थान पे। अब देखिए 21 जून 2018 को कोटा में बाबा रामदेव ने 2.5 लाख लोगों के साथ योग करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम भी दर्ज हुआ है इस तरह के काम करने के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि योग का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो योग का शाब्दिक अर्थ होता है समाधि, अर्थात कि चित्त वृत्तियों का निरोध। ठीक है, अब मोदी जो है दोस्तों मोदी ने योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने के लिए जो है 27 सितंबर 2014 को यूएन महासभा में संबोधित करते हुए कहा था कि 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना चाहिए। ठीक है, और 177 यानी 177 देशों ने इसको जो है अपनी हरी झंडी भी दिखाई थी यानी कि सहमत भी हो गए थे। ठीक है, कि हो जाए, और 21 सितंबर 2014 को यूएन महासभा ने इसको स्वीकार भी कर लिया था। ठीक है दोस्तों, 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के पीछे भी कि सबसे बड़ा नॉर्थ है यानी कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन भी होता है और इसीलिए जो है मनाया जाने का जो है फैसला लिया गया, इसके पीछे ही था 21 जून का कि योग दिवस के रूप में जाना जाए। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 है कि भारत के किस राज्य में 7 दिवसीय विश्व फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। देखिए जम्मू कश्मीर राज्य है जहां 7 दिवसीय विश्व मतलब कि कश्मीर विश्व फिल्म महोत्सव का आयोजन जो हुआ, ये 3रा संस्करण था कश्मीर में। दोस्तों इस महोत्सव का उद्देश्य कश्मीर के युवाओं को
एक्टिंग और फिल्म मेकिंग में करियर के साथ साथ फिल्मों और कश्मीर के वर्षों पुराने रिश्तों को बहाल करना भी है। ठीक है, तो इसमें जो है कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का भी जो है इसमें दिखाया गया है। ठीक है, और कई भाषाओं की फिल्में जो इसका फिल्मों का भी आयोजन किया गया था इसमें। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 है, जो कि आईफा 2018 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया था। देखिए तुम्हारी सुलू है फिल्म का नाम और विद्या बालन की फिल्म है, और दोस्तों इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है तुम्हारी सुलू को ही दिया गया था। देखिए आईफा जिसको जिसका फुल फॉर्म होता है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ठीक है, अंग्रेजी में आईफा लिखते हैं, मैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म तुम्हारी सुलू। उसके बाद देखिए जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इरफान खान को बना, ठीक है, के लिए मिला है इनको जो, ठीक है, जो एक फिल्म आई थी जिसमें फिल्म का नाम है इंग्लिश मीडियम, जिसमें जो कि अपने बच्चे के एडमिशन के लिए जो है इरफान खान जो है पिता जो होते हैं वे बहुत मेहनत करते हैं, हर तरह से जो है उपाय करते हैं ताकि जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल में नाम उसकी उनकी बेटी का हो जाए। तो इसलिए उनके फिल्म में जो उन्होंने अभिनय किया तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो है मिला है उनको। अब देखिए अभिनेत्री के तौर पर मॉम फिल्म की श्रीदेवी को जो कि अब नहीं रही उनको दिया गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो है पुरस्कार। उसके अलावा सर्वश्रेष्ठ जो पार्श्व गायक हैं तो अरिजीत सिंह को, और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका जो है मेघना मिश्रा को मिला है। ये मेघना मिश्रा जो सुपरस्टार में सीक्रेट सुपरस्टार में जो गाना है उसी गाने के लिए मेघना मिश्रा को मिला है। अब देखिए इस आईफा अवार्ड 2018 में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड जो है अनुपम खेर को दिया गया है। तो ये बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। इसके अलावा दोस्तों विनोद खन्ना, श्रीदेवी आदि को जो है श्रद्धांजलि भी इस अवार्ड में दिया गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। अब देखिए प्रश्न नंबर 10 में चलते हैं कि 23वें यूरोपीय संघ फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किस फिल्म से किया गया। देखिए स्लोवाकिया की फिल्म लिटिल हार्बर है जिससे जो है 23वें यूरोपीय संघ फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों 23वें यूरोपीय संघ फिल्म समारोह का आयोजन दिल्ली में 19 जून 2018 को हुआ। इस समारोह में 23 देशों की 24 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया था। महोत्सव का उद्घाटन जो था स्लोवाकिया की फिल्म लिटिल हार्बर से ही किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों यहीं तक, दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक जो है शेयर कीजिए, और डू नॉट फॉरगेट लाइक एंड नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलना है। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।